सरकार के आने के बाद बड़ी है या कांग्रेस की सरकार से ही बड़ी हुई है? सरकार आने के बाद। अच्छा, ये सरकार आने के बाद बड़ी है। लोगों का ये कहना है कि जब से लाडली बहन के 1500 रुपए आए हैं तब से 7500 रुपए दिए हैं। किसी के घर पे दो लेडीज है, घर पे तीन लेडीज है, तो अप्रोक्सीमेटली 25-25 हजार, किसी किसी के 21 हजार, किसी को 22 हजार एक ही घर पे गए हैं। हाँ दोस्तों, इस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक सिजलिंग इशू के ऊपर बात करते हैं। समय महाराष्ट्र में चल रहा है विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा का चुनाव की जो चारों तरफ जो धूम है उसका एक उदाहरण जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है अंजनगांव में। अंजनगांव जो है वो सभी समाजों का मिश्रण यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर सभी समाज बराबर के भागीदार बताए जाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अंजनगांव के शनिवारा चौक में। ये चौक जो है हमेशा से भीड़ भाड़ का रहा है और यहाँ पर सभी समाजों के लोगों की दुकानें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और लोगों से जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो किसको वोट देना चाहते हैं और किसको अपना आमदार चुनना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं लोगों के पास और जानने की बात करते हैं। हेलो, मौजूद है शनिवारा बाजार में और हमारे साथ में यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो सीधे कनेक्टेड हैं आम जनता से। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा मैं आगे की तरफ आए भैया, तो 5 मिनट बात कर पाएंगे आप? आपका गिरेगी का टाइम है मेरे को पता है, मगर एक 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए सिर्फ। आपका नाम बताइए। प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत भू, कितने समय से ये आपकी जो है संस्थान है, मतलब दुकान कब से है आपका? हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले आपके पिताजी वगैरह और कोई बैठते थे कि आप ही बैठते? आप ही से शुरू किया था? आप ही बैठते थे स्टार्ट से। प्रशांत भाऊ, मुझे ये बताइए, महंगाई बड़ी है क्या? बड़ी है ना महंगाई? महंगाई बड़ी है। बड़ी। अच्छा, ये सरकार के आने के बाद बड़ी है या कांग्रेस की सरकार से ही बड़ी हुई है? सरकार आने के बाद। अच्छा, ये सरकार आने के बाद बड़ी है। लोगों का ये कहना है कि जब से लाडली बहन के 1500 रुपए आए हैं तब से तेल का भाव बढ़ा है, लोग ये कह रहे हैं, जो है दूसरी चीजों का भाव बढ़ा है, ये सही बात है? सही बात। अच्छा, एक चीज, मैं एक लास्ट चीज जानना चाहूंगा, गिरेगी का समय आपका, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आने वाले 20 तारीख को किसको वोट डालने वाले? ये आप बोल नहीं सकते। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया? डिसाइड नहीं करा। अच्छा, एक अचलपुर अंजनगांव जो है ये क्षेत्र जो है हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर कांग्रेस और प्रहार का। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर बच्चों की जो प्रहार है वो, या फिर जो है कांग्रेस जो है वो फिर से लौटने वाली है, या फिर से एक बार मोदी जी पर विश्वास करने वाले हैं लोग, किस तरीके का रहेगा? अब ये बोल नहीं सकते अपन, अभी ये फिलहाल नहीं बता। नहीं, नहीं बता सकते। अच्छा, तो देख सकते हैं ये हमारे व्यापारी जिन्होंने बताया कि हाँ ये सही बात है कि 1500 रुपए आ जाने के बाद जो है महंगाई बढ़ी है, 20-25 रुपए तेल पर बढ़े हैं। हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद है यहाँ पर, कुछ यंगस्टर्स, कुछ नौजवान मौजूद है, उनसे जानने कुछ करेंगे। भाव, आपका नाम? खुशी के मुर्गे। कहाँ रहते हैं? चिंचोली में। चिंचोली, यहाँ से कितना किलोमीटर आता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। आपके गांव में विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है। विकास हुआ है। अच्छा, आने वाले समय में आप किसको वोट देना चाहते हैं? अभी बुंदेली में देख रहे थे, बुंदेली को देना चाहते हैं। अच्छा, वो बुंदेली जी जो है वो बीजेपी से खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में भी आप जो है बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और बीजेपी पे विश्वास रखते हैं, बराबर। 1500 रुपए जो है आपके घर की लेडीज के अकाउंट में आए हैं, उसके बाद महंगाई बढ़ी है, जो 105 रुपए तेल था वो 125 रुपए चला गया, जो 120 रुपए तेल था वो 145 रुपए चला गया। इतने महंगाई के बाद में भी आप बीजेपी विश्वास रहे, कारण क्या है? कारण तो वैसे वो अभी करेंगे ना काम, आगे काम करेंगे। हाँ। अच्छा, तो अभी भी लोगों को विश्वास? जी जी बोलिए। बढ़ेंगे ना, होगी आगे और चीजें आएगी। अभी भी लोगों का विश्वास बीजेपी पे कायम है और आने वाले समय में बीजेपी और बीजेपी की अलायंस की जो पार्टी है उनके ऊपर का विश्वास कायम है, और अंजनगांव की जनता और अंजनगांव के आसपास के खेड़े के लोग का ये कहना है कि आने वाले समय में और भी जो है यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ भी और दूसरे भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। इस समय सलीम भाई फूल वालों की दुकान पे एक यहाँ पर यंगस्टर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जान सकते हो? रिजवान खान। रिजवान भाई, 20 तारीख को वोटिंग है, किसको वोट देंगे? वोट नहीं गिरता अभी। अभी नहीं, क्या उम्र है आपकी? अभी है 17। 17 है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल आपके 17 है, आने वाले अगले साल से आप वोट दोगे, ठीक है, अभी फिलहाल की हालत क्या लग रहे हैं? आपको महंगाई बड़ी लग रही है?
अभी तो महंगाई महंगाई बढ़ गई है। अच्छा महंगाई बढ़ी है। देखिए यंगस्टर्स का भी ये कहना है महंगाई बढ़ी है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा जो है बनकर आने वाला है आने वाले समय में, और आने वाली सरकारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। चलेंगे हम दूसरी जगह और बात करने की कोशिश करेंगे। कट करो। जिस तरह से हम रंजनगांव के अलग अलग एरियाज में घूम रहे हैं, रंजनगांव के लोगों के मूड को जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय हम मौजूद है एक बार फिर से फूल की दुकान पर, जहां पर मौलाना साहब हार बना रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का है रंजनगांव का मूड। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद शेख अशफाक। शेख अशफाक, अशफाक भाई 20 तारीख को वोटिंग है, किसको वोट देंगे 20 तारीख को? जी देखिए अभी अभी चालू है, अभी ज्यादा कंफर्म नहीं है। अच्छा। जिसकी जिसकी हवा रहेंगे उसको दे देंगे। अच्छा अशफाक भाई, अशफाक भाई मुझे बताइए, जिस प्रकार से जो है अभी तक पिछले काफी समय से धर्म की राजनीति हो रही है और एक खास धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है, उसको देखते हुए मुसलमान कौम के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या ये आक्रोश एक वोट के जरिए फिर से एक बार देखने को मिलेगा? क्या वोट एक जवाब बन के आ सकते हैं मुसलमानों के लिए? इंशाल्लाह जी वोटिंग होंगी जी, और सही सही वोटिंग होंगी जी। जिस तरह से खासदारी में वंदना मुजद्दद वोटिंग हुई जी, उसी तरह से फिर से वोटिंग होगी। अच्छा, जो खासदारी में वोटिंग हुई उसी तरीके की जो है एक बार फिर से वोटिंग होगी ये कहना है। मैं इनके जवाब, इनके जो दबे हुए जवाब है मैं उसको थोड़ा क्लियर करूं। नवनीत राणा जी को जिस तरीके से रास्ता बता दिया गया था, तो आने वाले समय में क्या आने वाले समय में इस सरकार को भी जगह बता दी जाएगी, ये भी देखने का विषय रहेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं और जो है दिगर तरीके से भी बातें चल रही हैं कि मस्जिदों से भी अपील होने शुरू हो गई, तो क्या मस्जिदों में इस तरीके की बातें चल रही है? क्या बोले? मस्जिदों से भी अपील होने शुरू हो गई है कि एंटी बीजेपी वोटिंग करना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है, कमल को हटाना है, इस तरीके की बातें मस्जिदों से हो रही है, क्या सही बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सबको मालूम है किसको किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, और जो सब्सिडी जो आ रही है अभी शिंदे साहब की तरफ से, तो जिस तरह से उन्होंने दिए है 1500 रुपए, उसी तरह से उन्होंने कैसा है इधर वसूल भी कर लिया। जैसा आपने कहा कि भाई तेल ये भाव था, ये भाव बिक रहा और बहुत सारे आइटमों पे भाव बढ़ा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तेल के भाव नहीं बढ़ना चाहिए थे, तेल के भाव वही रहने चाहिए थे। अच्छा। जब आपको सेवा करना है जनता की, जनता को आपको पैसा देना है, तो आपने फिर ये क्या किया, जनता से वसूल करके जनता को दे दिया। अशफाक भाई आप बोल रहे हो कि आने वाले समय में वोटिंग होगी और जिस तरह खासदारी में हुई थी उस तरीके की वोटिंग होगी, मुझे बताइए ये शिंदे सरकार ने एक एक के घर पे 7,500-7,750 रुपए दिए हैं, किसी के घर पे दो लेडीज है, किसी के घर पे तीन लेडीज है, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000-25,000, किसी किसी के 21,000, किसी को 22,000 एक एक घर पे गए हैं। इसके बाद भी आप जो है बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, और आने वाले समय में जो है कांग्रेस ने पिछले 55 या 60 सालों से ऐसी कोई जो है स्कीम नहीं लाई थी, फिर भी आप कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, सबको पब्लिक को सब समझता है, सब लोग जो होशियार है सबको अकल है। अभी जो काम हुआ कुछ खास काम नहीं हुआ, अभी जो महंगाई है सारा पैसा वसूल कर लिया ना अपने तौर से, किसी ने दिया ही नहीं ना। अभी रास्ते देख रहे हैं आप, कोई विकास नहीं है, रास्ते जो तो बरोबर नहीं है, ऐसे और धर्म से परे होकर पार्टी से परे होकर विकास चाहते हैं रंजनगांव के वासी, बराबर विकास चाहते हैं, विकास धर्म का कोई नहीं है, धर्म तो अपना अल्लाह है, सबको धर्म की हिफाजत करने वाला वो है, हम कौन होते हैं हम धर्म की हिफाजत नहीं कर सकते, धर्म की हिफाजत तो अल्लाह कर रहा है। हमारा ये मुद्दा है कि भाई विकास हो शहर का, देहात का और अपने जिले का, ऐसा कोई आमदार आना चाहिए, ऐसा कोई खासदार आना चाहिए। तो देख सकते हैं ये है रंजनगांव के लोगों का मूड जो है, मिली जुली जो है रुझान यहाँ पर मुझे देखने को मिले। एक बेबाक सवाल थे लोगों के बीच में, जो लोगों के बीच से हमने निकाले, उन्होंने ये बताया कि धर्म से परे होकर, जाति से परे होकर, पार्टी से परे होकर जो है यहाँ पर रंजनगांव की जो है जनता है विकास के लिए जो है वोटिंग करने वाली है। आने वाले समय में उसी को चुनके लाया जाएगा जो विकास करेगा, जो रंजनगांव का चेहरा और मोहरा बदलेगा। तो ये था रंजनगांव से हमारा लेटेस्ट और सिजलिंग शो जो आपके सामने मैंने पेश किया। ये सिजलिंग शो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए शहर किसी नई बात के लिए।